तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विद सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? एंड आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 4 मार्क के चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो कि मैथ्स 2 के पेपर में आने वाले हैं इस साल, दैट इज 2024। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर देना है कि आपको मैथ्स 1 ज्यादा हार्ड जाता है या मैथ्स 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले चैप्टर 1 सिमिलैरिटी का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज इन पैरेललोग्राम एबीसीडी साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी कट साइड बी सी एट ई एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए सी कट द साइड सी डी एट एफ, प्रूव दैट सेक्ट ई एफ इज पैरेलल टू सेक्ट बी डी। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको आराम से 4 से 5 मार्क के लिए मैथ्स 2 के पेपर में आ सकता है। आप देख सकते हो फिगर और क्वेश्चन की लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ है, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। फटाफट से नोटबुक और पेन लेके बैठो, फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। सो सेकंड क्वेश्चन जो आपको सिमिलैरिटी में से आ सकता है, दैट इज इन द फिगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू 2 डी सी, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो आपको एक फिगर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उस फिगर में से ए बी सी का जो है वो ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। फटाफट से नोट डाउन करते रहो। थर्ड क्वेश्चन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपको दिख रहा है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, सेक बी डी एंड सेक क्यू एस आर एंगल बाइसेक्टर्स, यानी कि ये जो ऐसे आड़े पड़ रहे वो आपके क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स। इफ लेंथ ऑफ ए डी अपॉन लेंथ ऑफ पी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी सी अपॉन लेंथ ऑफ एस आर, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको प्रूव करना है। अब आप बोलोगे दीदी आपके पास क्वेश्चन बता रहे हो, सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे फटाफट से कमेंट कर देना है कि दीदी हमें इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए। फटाफट से सॉल्यूशंस पर वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो सिमिलैरिटी में से आ सकता है, दैट इज इन द फिगर साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट्स आर पी एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट AB is equals to BR, BC is equals to CF and CA is equals to AF. Prove that area of triangle PFR is equals to 7 of area of triangle ABC. आप construction भी कर सकते हो, यहाँ पे दिया गया है और यह ऐसा कुछ आप figure आपको निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे दीदी फिगर आता है क्या, तो फिगर भी नहीं आएगा, आपको बस इतना क्वेश्चन लिख के आएगा चैलेंजिंग क्वेश्चन में 4-4 मार्क के लिए, और आप खुद से पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिगर निकालना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर सेक पी ए sec QB and sec RC are perpendiculars to sec AC. ये जो sec AC है, इसको ये सारे क्या पढ़ रहे हैं? Perpendicular पढ़ रहे। From the given information in the figure, prove that 1 upon x plus 1 upon z is equals to 1 upon y. यानी कि 1 upon x plus 1 upon z is equals to 1 upon y. ये जो चीज है, ये फिगर के मदद से आपको क्या करनी है, प्रूफ। एंड आप देख सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट इज ये आ गया है जुलाई 2019 में। तो जो भी फर्स्ट लेसन है आपका सिमिलरिटी, उसमें से जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप के आने वाले हैं, इसी टाइप के 5 टाइप के क्वेश्चंस में से एक आ सकता है। सेकंड पाइथागोरस थ्योरम लेसन, फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेक सी डी इज परपेंडिकुलर टू सेक ए बी एंड सेक डी ई इज परपेंडिकुलर टू सेक सी बी। आपको ये सब कुछ गिवन दिया गया है, अब प्रूफ आपको क्या करना है, दैट इज सी डी स्क्वायर into AC square is equals to AD square into AB square into DE square. ये सब आपको प्रूफ करना है और ये आपको फिगर भी उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, that is in an equilateral triangle ABC the side BC is trisected at D. Trisect हुआ है, ये वाले जो मेन मेन वर्ड्स रहते हैं वो हाईलाइट करना मत भूलते सब। Prove that 9AD square is equals to 7AB square. ये सब आपको गिवन है यहाँ से यहाँ तक, और आपको प्रूफ करना है 9 AD square is equals to 7 AB square. Next question, that is ABCD is a quadrilateral. M is the midpoint of diagonal AC and N is the midpoint of the diagonal BD. ये सब कुछ आपको given है, figure is also given. ठीक है, ये भी आपको given है, figure भी आपको already दिया हुआ है। AB square, prove that AB square plus BC square plus CD square plus DA square. यानी कि ये जो sides है ना, उनके square. AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equals to AC square plus BD square plus 4mn square. यानी कि आपको जो अंदर के हैं उनको आपको प्रूफ करना है, और ये आपका हॉट्स का क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज के नीचे अदरवाइज मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट जो होता है उसके नीचे भी आपको मिल जाएगा। चैप्टर थर्ड, चैप्टर सेकंड में से आप बोलोगे दीदी इतने ही क्वेश्चन, तो हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन 3 टाइप के, इससे ज्यादा नहीं। चैप्टर 3 सर्कल,
in the figure, a semicircle with its diameter in the hypotenuse of a right angle triangle is shown touching the remaining sides of the triangle. यानी कि ये जो हमारा सेमी सर्कल है ये क्या कर रहा है, जो रिमेनिंग साइड्स उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है. The two parts of the hypotenuse made by the center of the semicircle have the length 15, यानी कि इसकी length 15 है और इसकी आधे की length 20 है. Find the radius of the semicircle. ये जो semicircle है इसका आपको क्या करना है, radius find out करना है. Second question, in the figure, two circles touch internally at point P. यानी कि जो figure दिखला है इसमें देखो ये पहला circle, ये दूसरा circle, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे touch कर रहे हैं, point P पे touch कर रहे हैं. Called AB of larger circle intersects the smaller circle in C and D. यानी कि जो AB ये जो chord है बड़े circle का, वो C और D पे क्या कर रहा है, intersect कर रहा है. यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी पी ए, यानी कि ये वाला सी पी ए, ये वाला एंगल, ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी पी बी, ये वाला एंगल, ठीक है, सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी बी, ये आपको प्रूफ करना. थर्ड क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद द सेंटर ओ. ये सेंटर ओ आपको दिया गया है. सेक ए एक्स इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर. सेक ए डी इज परपेंडिकुलर टू सेक बी सी. Prove that first triangle ABX is similar to triangle ADC. Second, area of triangle ABC is equal to ABC upon 4R. और आपको दिया गया है कि BC A है, AC B है और AB C है. आपको दो चीजें प्रूव करने हैं. आपको आराम से चार से पांच मार्क के लिए आ सकता है. और ये देखो आपका हॉट्स का क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, PQ and R are the mid points of side AB, AC and BC respectively. Sec AS is perpendicular to side BC. Prove that quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. ये भी जो दिया गया है, parallelogram बोलते हैं, quadrilateral बोल दो, is a cyclic quadrilateral. ये आपको बस प्रूफ करना है. Fifth, in the figure, sec AB is the diameter of a circle with center P. C is any point. यानी क्या, देखो ये center है. C is any point on the circle. ये C है जो कोई भी point है, ठीक है. और ये जो C है ये क्या कर रहा है, जो diameter है हमारा AB उस पर क्या कर रहा है, perpendicular गिर रहा है. Prove that C is the geometric mean of AE and EB. यानी कि जो C है ये क्या है, is AE का और EB का क्या है, geometric mean है. Write the proof with the following steps. आपको ये जो following steps है इन सबको read करना है और इन steps की मदद से आपको क्या करना है, पूरा answer लिखना है. आप बोलोगे दीदी क्या ये सच्ची important है, तो आप देख सकते हो कि ये जुलाई 2019 में आया है, यानी कि पहले भी ऐसे questions आए हैं तो अब भी आ सकते हैं. Okay. Sixth question, if diagonals of a cyclic quadrilateral are perpendicular, जो diagonals होते हैं cyclic quadrilateral के, अगर वो perpendicular है, then prove that the line passing through midpoint, तो उनके midpoint से जो line pass हो रही है of one side and the point of intersection of diagonals is perpendicular to the opposite. वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को opposites को perpendicular है, क्या ये देखो ये वाला और ये वाला, ये तो opposite lines है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे perpendicular है, आपको क्या करना है, proof करना है. अब हम बढ़ते हैं fourth lesson पे. Fourth lesson का first question जो आपको आ सकता है, जैसे geometric construction में से, first draw a circle with center O and radius 3.2. पहले आपको circle draw कर लेना है. Take points A and B on the circle such that angle AOB is equals to 60 degree. आपको बराबर 60 degree के हिसाब से लेना है. Let the bisector of the angle AOB intersect the circle in point K. Angle जो है वो कहाँ पे intersect कर रहा है? Point K पे. Draw a circle passing through K such that ray OA and ray OB are tangents to the circle. ऐसे draw करने आपको, that is कि ray OA, OA and OB ये दोनों क्या हो जाएंगे, circle के tangents हो जाएंगे. Question 2, construct an isosceles triangle with base 8 cm and altitude 4 cm. Construct another triangle whose sides are 2 upon 3 times the corresponding sides of the isosceles triangle. तो आप देख सकते हो कि लेवल कितनी ज्यादा टफ हो गई है, क्योंकि आपको 4 से 5 मार्क के लिए ये वाला क्वेश्चन आ रहे हैं. तो फटाफट से बुक लो, फोटोज निकाल लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, जो करना है वो करो, पर फटाफट से इनके सॉल्यूशंस निकालो और सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि जितना इजी लग रहा है उतना इजी बोर्ड्स होने वाला नहीं है. ओके, थर्ड क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, दैट इज ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू टैंजेंट्स ऑफ द सर्कल व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, और आपको यहां पे स्टेप्स भी दिए, वो स्टेप्स की मदद से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है पर्टिकुलर सर्कल. अब आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैं सॉल्यूशन का वीडियो जल्द ही लेके आऊंगी, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है अपने सारे नमूनों दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा.
ओके फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 6 एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ड्रॉ सेक बी डी परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस ए सी. Draw a circle passing through points B, D, A. Show that line CB is a tangent of the circle. Chapter 5th में से देखो आपको यही questions आएंगे. Chapter 5th, point P divides the line segment joining the points A. A के points क्या क्या है हमारे 2 and 1 and B 5 and minus A. Such that AP upon AB is equals to 1/3. आपको ऐसा पूरा उसको divide करना है. If P lies on the line, ये वाले line पर lie कर रहा है तो आपको क्या करना है, K की value find करनी है. यहाँ पे K की value आपको दी गई है. Second, the line x minus 6y plus 11 is equal to 0. Bisect the segment. किस segment को bisect कर रहा है? जो कि join कर रहा है 8 and minus 1 और 0 और k पे. तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? K की value find करना. समझ लो कि geometry mean में जो भी coordinate geometry है उसमें जो k के questions होते हैं वो बहुत ज्यादा important होते हैं. 2 mark के लिए भी आते हैं, 3 mark के लिए भी आते हैं, 4 mark के लिए भी आते हैं. Third question जो आप देख सकते हो that is A के points क्या दिए हैं 10 और 5, B के points दिए 6 and minus 3, C के points दिए हमें 2 and 1. And the vertices of a triangle ABC, यानी कि ये triangle है A, B, C, और इनके points हमें देके रखे हैं उन्होंने. Okay? Find coordinates of L, M, N. ठीक है, आपको वैसे ही L, M, N के find points find करने. L and यहाँ पे L और M जो है वो mid points हैं A, B के और A, C के. यानी कि यहाँ पे से A, B ये हम for L निकाल लो और ये A, C जा रहा है तो उसका M निकाल लो, ये mid points है. तो आपको क्या करना है, इनके भी coordinates क्या करने हैं find करने हैं. और second चीज जो आपको प्रूफ करनी है दैट इज एल एम, दैट इज हाफ ऑफ बी सी. जो एल एम है ठीक है, एल एम ये एल एम ये इनको कंस्ट्रक्ट करके आपको क्या बताना पड़ेगा कि बी सी के क्या है हाफ, ये आपको बताना पड़ेगा. सिक्स, ट्रिग्नोमेट्री में से आपको कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. फर्स्ट देख लो, अ पायलट इन एन एरोप्लेन ऑब्जर्व्स दैट वाशी ब्रीज इज वन ऑफ वन इज ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन एंड वॉर्ली सी लिंक इज जस्ट ऑन द अपोजिट साइड. The angles of depression of Vasi Bridge and Worli Sea Link are 60 degree and 30 degree. आपको बस depression ये word याद रखना है, कौन सा angle of depression है और कितने angle है, 60 and 30 respectively याद रखना है, बाकी के झंझट याद मत रखो. If the aeroplane is at a height of 5500 under root 3 meter at that time, what is the distance between Vasi Bridge and Worli Sea Link? आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, distance find out करना है. If you want the solutions, बार बार कह रही हूँ, कमेंट कर दो, मैं सॉल्यूशन पर पूरा वीडियो लेके आऊंगा और पूरे एक्सप्लेन भी करूंगी, फिर चाहे एक घंटा क्यों ना लग जाए. ओके, क्वेश्चन सेकंड, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री. यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो कितना है, 45 डिग्री. और कितने हाइट पे बैठी है वो बर्ड, वो बर्ड बैठी है 80 मीटर हाई, यानी कि ट्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका, मेरा 45 डिग्री. ओके, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्स एट कांस्टेंट हाइट फ्रॉम अ ग्राउंड. ठीक है, एक अब वो बर्ड क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली उस पेड़ पर से उड़ के जा रही है. आफ्टर 2 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड ऑब्जर्व फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री. फिर 2 मिनट 2 सेकंड के बाद उड़ने के बाद वो बर्ड का ये वाला फॉर एग्जाम्पल पोजिशन था, सो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना पाया गया, 30 डिग्री. इधर कितना था, 45 डिग्री. अब ये भी आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो आपको क्या करनी है, बर्ड की स्पीड फाइंड करनी है और रूट थ्री की आपको वैल्यू भी देके रखी है. ओके, थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इफ पी इज द सर्कम सेंटर ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल, आपको फिगर दिया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है. ट्राइंगल ए बी सी विद द सर्कम रेडियस आर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. शो दैट, आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2r, यानी कि डबल द रेडियस साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी. अब रेडियस यानी कि आप ये r ही पकड़ सकते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली r पॉइंट दिया गया है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. या इफ cot थीटा इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस 2mn, प्रूव दैट cosec थीटा इज दिस. ये आपको हॉट्स का क्वेश्चन है, आपको हॉट्स का क्वेश्चन है जो कि आपके प्रॉब्लम सेट में भी होगा या अदरवाइज किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के नीचे होगा. ओके, चैप्टर 7 लास्ट चैप्टर दैट इज मेंसुरेशन, इस पर बढ़ते हैं. इसमें से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पे देख लो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच ही क्वेश्चंस, पांच टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो फटाफट से देख लेते हैं, तब तक फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि आपको सॉल्यूशन चाहिए या नहीं. ओके, फर्स्ट, radius of a circular base of an ear of a cone is 6.6 cm and its length is 11.2 cm.
If on average 1 square centimeter area contains 2 corn kernels, find the total number of kernels of a corn. एक corn के कितने total number of kernels होते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, find करना पड़ेगा. आपको radius देके रखा है, ठीक है, आपको length देके रखी है, average देके रखा है कि कितना contain कर रहा है, ठीक है, आपको सब कुछ देके रखा है, आपको बस find करना है कि total number of contain kernels कितने contain कर रहा है corn. Second, on a cylindrical road, ये आपको पूरा figure भी दिया है. Roll, roller made of iron of length 1 meter has an internal diameter of 54 centimeter. The thickness of the iron sheet used is making thickness यानी कि कितना जाड़ा है वो कितना है roller का 9 centimeter है. देखो आपको बताया 9 centimeter. Find the volume. आपको cylindrical volume का formula पता होगा. Volume of a cylinder वो वाला लगा के आपको क्या करना है, question को solve करना है. Third question, an athletic track, ये athletic track है. 7 meter wide consists of two straight sections. दो straight sections होते हैं, ठीक है? 105 meter एक आया आपका, ये 105 meter line joining the semicircle, ठीक है? आपका semicircular ends. The distance between two straight sections is 70 meter. ये दो straight sections हैं, इनके बीच में का distance कितना है? 70 centimeter. Find the difference between the length of the edges of the track. इनके edges के बीच में का distance कितना है? आपको क्या करना है? Find करना है. Fourth, वाटर ड्रॉप्स, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है, मैं अच्छे से रीड कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो. वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम अ टॉप टैप एट द रेट ऑफ 4 ड्रॉप्स इन एवरी 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड में कितनी बूंदे पानी गिर रही है, 4 बूंदे. वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 0.4 सेंटीमीटर क्यूब. और ये पता है ना कि वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगाते हैं. या इफ द ड्रिप वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो आपको सबसे पहले चीज क्या फाइंड करनी है, इन व्हाट टाइम विल बी द वेसल कंप्लीटली फिल्ड. वो जो वेसल जो है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, वो पूरा कितने देर में भर जाएगा. सेकंड, आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टर, जितना पानी कलेक्ट हुआ इसका वॉल्यूम मतलब कितना है वो पानी. थर्ड, इन 3 आवर्स 40 मिनट्स हाउ मेनी वेसल्स विल बी फिल्ड, और 3 घंटे 40 मिनट में ऐसे कितने ज्यादा जो भांडे होते हैं वेसल्स मन को ओपन करना ते भरू सकता कि अपने को बताना है. लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. ऑयल टीन्स ऑफ क्यूबॉइडल शेप आर मेड फ्रॉम अ मेटालिक शिफ्ट विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर. आपको लेंथ दी गया है, आपको ब्रेथ दी गया है, और शेप भी आपको बता दिया है. ईच टीन हैज डाइमेंशंस, क्या क्या डाइमेंशंस है, 60x40x20 इन सेंटीमीटर एंड इज ओपन फ्रॉम द टॉप. ऊपर से वो टीन क्या है, खुला है. Find the number of such teens that can be made. कितने teens ऐसे बन सकते हैं? ये आपको क्या करना है? बताना है. So this was the last question. So I hope कि ये सारे questions आप अच्छे से revise कर लोगे, solve कर लोगे, क्योंकि यही वाले questions ऐसे ही type के questions जो है वो आपको आने वाले हैं boards 2024 में for 4 and 5 marks, right? तो फटाफट से जाओ, फटाफट से solve करो, और हाँ कमेंट कर दो कि दीदी हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट डाउन, ठीक है? मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगी विद फुल एक्सप्लेनेशन, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीज क्यों आई है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा, और उसी के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने नमूनों दोस्तों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा. तो चलो देन, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन. #धमाका मचाना है, एंड यस, कमेंट डाउन, एंड पढ़ते रहो.